गाइस, तो अभी मैं स्टेडियम पहुंच चुका हूं, तो पता नहीं अभी अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया हूं, 9 बजे हूं। तो चलिए तो देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। और मिसवा भी यहां पहले से था, और अभी मैं आया हूं, ये आया, मुझे कॉल किया और बोला कि आओ, यहां हो रहा है कुछ। तो चलिए तो अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। हे गाइस, तो ये है मधेपुरा का स्टेडियम, जो कि अभी यहाँ पैरेड हो रहा है, और मैं काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मुझे सुबह जुलूस में भी जाना था, लेकिन क्या करूँ, मैं मिस कर दिया। तो ये है यहाँ के स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ होता है, लेकिन ये तो कोरोना वायरस के रीज़न की वजह से सिर्फ पैरेड हो रहा है और फ्लैग होस्टिंग हुआ, जो कि फ्लैग होस्टिंग अभी हो चुका है, अब पैरेड भी ख़त्म हो रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, वाह क्या बात है। इन लोगों का जो पैर है वो भी कितना मैचिंग कर रहा है यार। नाइस, क्या बात है। और कुछ उधर चले गए हैं, उस साइड से मुड़ गए हैं। हाँ मिसबा, तुमसे मिला ही नहीं यार, और क्या हाल है, कितना देर पहले। ये जो मिसबा है, ये सुबह ही से यहाँ पे आ चुका है और सुबह से सब कुछ देख चुका है, और यहाँ जो है ना बीच में बारिश भी शुरू हो गई थी, इसीलिए इतना लेट हो गया। चलो हो गया, परेड ख़त्म, अब हम लोग चलते हैं घर। तो ये है एसपी मधेपुरा का, और ये पुलिस स्क्वाड, अब सब लोग वापस जा रहे हैं, लगभग सब प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, अब मुझे भी लगता है चलना चाहिए। टाटा गाइस, तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ी देर मैं प्रोग्राम देख सका, और ये बाइक लगा हुआ है, और अब हम लोग जा रहे हैं मिसबा के यहाँ। और ये जो है, ये स्टेडियम है मधेपुरा का, जो बाहर से आपको दिख रहा है, ये बाहर का है, ठीक है, ऐसे ही दिखता है। और ये जो है, ये आपको दिख रहा है, ये कला भवन है, यहाँ कुछ भी प्रोग्राम वगैरह होता है तो इस भवन में होता है, ये मधेपुरा का भवन हुआ। और वो जो देख रहे हैं, वो आपको छात्रवृत्ति है, मतलब छात्रावास है शायद, हाँ, जो इसमें मतलब वो स्टूडेंट वगैरह रहता है, जो भी है स्टूडेंट को रहना चाहते हैं इसमें रह सकते हैं। और यहाँ पे जो है, सब जितने भी पुलिस वगैरह आए हुए थे, अब सब जा रहे हैं, तो अब हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। चले मिसबा, चलो अपना भोला को स्टार्ट किया जाए, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि कल ही मैंने ये करवाया है, वॉश और ये सर्विसिंग कराया, अच्छा लग रहा है। वाह यार, मिसबा भी अच्छा दिख रहा है, पता है। गाइस, तो अभी मैं फाइनली घर जा रहा था, तो ये जो मिसबा है, ये बोला कि मुझे लिट्टी खाना है, लेकिन मैं यहाँ आया, लिट्टी नहीं मिली, मुझे छोला भटूरा दिख रहा है, तो चलो तो यही खाया जाए, क्योंकि भूख बहुत लगता है। तो अभी फाइनली मैं यहाँ आ चुका हूँ, और अब मैं यहाँ पे अपना दिन प्रस्थान कर रहा हूँ। तो अब ये मिसबा से ही पूछना है कि ये यहाँ कितना बार खाया मिसबा, 2-3 बार खाए हो, अच्छा। तो अभी हम लोग ने कितना ऑर्डर किया है, 2 प्लेट छोले भटूरा ऑर्डर किया है, और देखते हैं अब कैसा रहता है यहाँ, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से फिर खा के फिर यहाँ से निकलेंगे, मतलब यहाँ पे रास्ते में भी कहीं भी चलते रहते हैं भाई, टोक देता है यार, चलो खाना है, मतलब इतना भूख लगता है इसको, स्ट्रीट फूड खास करके, घर में बोलेंगे खाओ तो नहीं, बाद में खाना है मम्मी, बाद में खाना है, बताओ यार। गाइस, तो ये है छोला भटूरा, जो कि तैयार हो रहा है, और यहाँ पे तेल जा चुका है, और लगता है ये मेरा ही टर्म वाला है, और इनका क्या नाम है, अरुण है, अच्छा अरुण जी नाम है, और ये बस स्टैंड पे इनका ठेला चलता है, और काफ़ी फेमस है सुनने में आ रहा है मेरे को। तो चलो यहाँ के खाकर पहले देखता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। ओह माय गॉड, क्या क्या स्पीड है, वाह क्या बात है। तो हम लोग अब खा पी के अब आ चुके हैं मिसबा के घर पे, और अब हमारा ब्लॉग यहाँ पे होता है एंड। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। ओके ब्रो, ठीक है, तो अब मैं चल रहा हूँ। अच्छा, क्या बोले, जय हिंद, ठीक है, जय हिंद दोस्तों।
और अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।